कल रात मैंने एक सांप पकड़ा जो भारत का सबसे जहरीला सांप है, और सबसे जहरीला तो ऐसे कोबरा को कहते हैं, और कोबरा के बाद है करैत, उसके बाद रसल वाइपर का नाम आता है। रसल वाइपर भारत का बहुत जहरीला सांप माना जाता है करैत के बरोबर। तो मैं कल रात को पकड़ा था इसको, और मैं चाहूँगा कि इसको दोबारा खोल के फिर दोबारा इसमें डालूँ, जिससे आपको पता चले कि ये रसल वाइपर दिखता कैसा है, होता कैसे है। ये है रसल वाइपर, ये बहुत जहरीला सांप है। मैं आप सभी से हमेशा कहूंगा कि इस सांप को पकड़ने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि वास्तव में बहुत जहरीला सांप है। ये देखिए, पास में लगा है बच्चा, अच्छे स्टूडेंट करो, देखिए इसकी कला देखिए, ये हमेशा जो है कि मुट्ठी बन जाता है, सुरक्षा कवच में आ जाता है अपने। ये बहुत जहरीला सांप माना जाता है, इससे खिलवाड़ करना, इसको पकड़ना बहुत खतरनाक साबित होता है। ये देखिए 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 कैसा छटपटा रहा है, कितना भाग रहा, कितना तेज है। ये देखिए है तो बच्चा, लेकिन ये है बहुत जहरीला। इसकी मैं खासियतें बताता हूँ। इसकी खासियत ये है कि ये जहाँ काट ले सांप, इसका बाइट जो है वहाँ सूजन आ जाती है और सड़ने लग जाता है तुरंत। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित मरेगा, मारा जाएगा। और इसकी प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा है, 6 बच्चों से लेकर 100 बच्चों तक जन्म देता है एक बार में। तो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करता है, अंडा नहीं देता, डायरेक्ट बच्चे पैदा करता है, जैसे प्रसूति महिला है, 100 बच्चे तक दे सकता है। और नज़दीक आइए और इसको जूम करिए, आइए और इसको और अच्छे से देखते हैं हम लोग कि क्या है इस सांप में। एकदम अच्छे से दिखाइए इसको, देखिए कितना खतरनाक है। इसकी लंबाई 4 फीट तक हो सकती है, गोल गोल सा। इसको बंगाली में चंद्रबोड़ा भी कहते हैं, चंद्रबोड़ा। रसल वाइपर है, रसल वाइपर इसका जहर बहुत जहरीला, न्यूरोटॉक्सिक है, बहुत जहरीला सांप माना जाता है। गोल गोल इसमें रिंग बने हुए हैं, चैन बना हुआ है। रसल वाइपर बहुत घातक विष भारत में पाया जाने लगा है, बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है भारत में। इससे हमेशा बच के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका काटा हुआ निश्चित मरेगा, आदमी बचेगा नहीं। कुछ सेकंड के अंदर ये अपना दंश शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये देखिए देखिए कितना खूबसूरत है, लेकिन जितना ही खूबसूरत उतना ही जहरीला। इसकी एक खासियत और मैं बता दूं, रसल वाइपर के दांत सभी सांपों से बड़े दांत होते हैं। ये अगर इसको सावधानी से अगर इसका मुंह ना पकड़ा जाए तो अपने नीचे का जबड़ा चीर के, अपने दांतों से नीचे का जबड़ा चीर के नीचे उंगली पर दंश मार देगा ये। इसलिए पकड़ने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है इस सांप को। देखिए कितना देखने में खूबसूरत है, लेकिन बहुत जहरीला। अब इस सांप को मैं दोबारा डाल देता हूं। देखिए ये फूंकता भी बहुत है सांप, और सुरक्षा की जब बात आएगी तो सांप बहुत तेज फूंकता है। अब इसको मैं दोबारा डब्बे में डाल दूंगा, हालांकि मेरे पास ऐसा कोई औजार तो नहीं है जिससे मैं पकड़ूं सांप को, लेकिन बच्चा है तो आप
कभी भी मैं तो नहीं कहूंगा कि सांप पकड़े सांप से खेलें, जब तक सांप की जानकारी ना हो कि कौन सा सांप कैसा है कितना जहर है तब तक किसी सांप से छिड़कानी करना या पकड़ने की कोशिश करना बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। यह सावन का महीना चल रहा है, आज प्रथम सावन का पहला दिन है और बाबा भोलेनाथ ने जो है सांप के दर्शन करा दिए। ये देखिए मैंने इसको वापस डब्बे में डाल दिया, अब इसको मैं कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर ही छोड़ूंगा इसको ताकि दोबारा ना आ सके। अब मैंने बताया कि ये 6 बच्चों से लेकर 100 बच्चों तक दे सकता है रसल वाइपर अपने बच्चों को जन्म, तो पता नहीं कितने बच्चे कहाँ कहाँ होंगे वो तो नहीं पता, लेकिन ये सांप को तो कई बार सांप पकड़ने का अनुभव है इसलिए थोड़ा सा आसानी से मैं आपको पकड़ के दिखा दिया इसको, लेकिन कभी भी प्रयास न करें सांप पकड़ने का, रसल वाइपर तो भगवान बचाए। सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।